हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कशफुर और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एशियन पेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी कंपनी का डिटेल फंडामेंटल रिसर्च मिल जाएगा, जिसमें ग्रैनुल्स इंडिया, लॉरस लैब, एडवांस एंजाइम, पॉलिटेक्निक, फर्स्ट और सॉल्यूशन, बहुत सारी कंपनीज के लिस्ट है, आप जाकर के चेक कर सकते हो, जहां पे आपका नॉलेज भी ग्रो होगा। इस कंपनी को भी हम टोटल 6 पॉइंट पे एनालिसिस करने वाले हैं, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, एशियन पेंट कंपनी बात करो तो 1945 में कंपनी स्टैब्लिश हुआ। इंडियन मल्टीनेशनल पेंट कंपनीज का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये कंपनी बेसिकली तो एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंट्स, कोटिंग हो गया प्रोडक्ट रिलेटेड, या साथ ही साथ कंपनी होम डेकोर हो गया, ऑफर एंड टू एंड जो पेंट सर्विस के अंदर पूरा का पूरा ये चीज कंपनी प्रोवाइड करती है, डिजाइनिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, कलर के लिए हो गया, डेकोर कंसल्टेंसी हो गया, वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन हो गया, बहुत सारे डिफरेंट ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये एशिया की अगर कहूं तो थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी और इंडिया की नंबर वन कंपनी है पेंट इंडस्ट्री में, और वर्ल्ड में ये 9th रैंक पे आता है। ये कंपनी के पास टोटल 22 सब्सिडियरीज कंपनीज जो अक्रॉस ग्लोब प्रेजेंट है, मोर देन 60 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है, और 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अवेलेबल है इनके। उसमें से अगर हम बात करें जो अराउंड 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में, उसमें से जो भी 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें से 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो डेकोरेटिव पेंट्स में डील करते हैं, और 3 इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडस्ट्रियल पेंट में डील करते हैं। और कंपनी के पास मोर देन 430 प्लस कलर आइडियाज, मतलब इतने टाइप्स के वो कलर वेराइटीज पोर्टफोलियो अवेलेबल है, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कैटर कर सके। और इनके पास वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अराउंड 70,000 प्लस अक्रॉस इंडिया और ग्लोबली भी। कंपनी के पास टोटल 58% मार्केट शेयर है इंडिया में। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में कि कंपनी कहां से बिजनेस जनरेट करती है। कंपनी का टोटल 4 डिविजन है जिसके अंदर ये बिजनेस वहां से लाती है। पहला इनका डेकोरेटिव कोटिंग है, दूसरा इनका इंटरनेशनल ऑपरेशन है, तीसरा इनका इंडस्ट्रियल पेंट है, होम इम्प्रूवमेंट्स है। सो डेकोरेटिव कोटिंग्स की बात करें जो लगभग कंपनी को 83.7% के आसपास बिजनेस वहीं से आता है, जिसके अंदर ये कंपनी कहो तो जो पेंट्स के अंदर में डेकोरेटिव कोटिंग के अंदर जो प्रोवाइड करते हैं इंटीरियर वॉल्स के लिए हो गया, एक्सटीरियर वॉल्स के लिए हो गया, वुड फिनिश हो गया, मेटल फिनिश हो गया, ये डिफरेंट कैटेगरीज इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर ये वाटर प्रूफिंग भी हो गया, वॉल कवरिंग हो गया, पेंटिंग टूल्स हो गया, इंप्लीमेंट्स हो गया, अलॉन्ग साइड इसके अंदर साथ साथ ये एक तरह से एडीसी और सैनिटाइजर भी प्रोवाइड करते हैं। और हर साल कंपनी डेकोरेटिव कोटिंग के अंदर में लगभग 20 प्लस प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। सो ये कंपनी के लिए एक तरह से कहूं तो कोर बिजनेस है, और सबसे ज्यादा कंपनी का मार्केट शेयर भी इसी में। सेकेंड इनका सेगमेंट है इंटरनेशनल ऑपरेशन, जो अराउंड 11.6% के आसपास बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये कंपनी को तो टोटल 4 ऐसे रीजन में ऑपरेट करते हैं, जिसमें एशिया हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, साउथ पैसिफिक हो गया, या अफ्रीका हो गया। थ्रू इनके पास जो टोटल 7 कॉर्पोरेट ब्रांड है, जैसे कि जिसमें एशियन पेंट्स, एप्को कोटिंग्स हो गया, एशियन पेंट बर्जर हो गया, या कॉसवे पेंट्स हो गया, SCIB पेंट्स हो गया, और टॉपमैन्स और कैडिस्को एशियन पेंट्स, ये टोटल 7 ब्रांड जो इनके अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में अवेलेबल है, जिसमें ये इनका जो टॉप 3 बिजनेस जो आता है वो डेकोरेटिव पेंट से आता है, जो कि बाहर कहूं तो टोटल 14 कंट्रीज में अगर है, जहां से 12 कंट्रीज में इस कंपनीज को काफी अच्छा खासा बिजनेस आता है डेकोरेटिव पेंट से। इनका नेक्स्ट सेगमेंट जो है इंडस्ट्रियल कोटिंग, जिसके अंदर अराउंड 2.4% के आसपास ये बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है। इसके अंदर एक कंपनी 2 स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ज्वाइंट वेंचर के थ्रू, जिसके अंदर PPGA इंक USA करके, जो कि ग्लोबल मार्केट लीडर है कोटिंग के अंदर में, जिसके अंदर ये डिफरेंट वैरायटी या प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल कोटिंग के अंदर में, जिसके अंदर ये हो गया ऑटोमोटिव कोटिंग्स हो गया, या फिर रिफिनिशेस हो गया, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स हो गया, फ्लोर कोटिंग हो गया, पाउडर कोटिंग हो गया, ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल कोटिंग के अंदर में। फोर्थ सेगमेंट है होम इम्प्रूवमेंट, जो अराउंड 2.3% के आसपास बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जिसके अंदर में 2 सेगमेंट है किचन एंड वार्डरोब्स, और दूसरा जो इनका सेगमेंट है बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरी वेयर करके, जहां पे ये कस्टमर को उनके हिसाब से कैसा रिक्वायरमेंट है, डिजाइन कैसा चाहिए किचन का या उनका होम इम्प्रूवमेंट का, वहां पे कंपनी पूरा का पूरा कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कस्टमर को अपना ड्रीम होम मिल सके। सो ओवरऑल कहूं कंपनी के बारे में तो 60% के आसपास कंपनी पास मार्केट शेयर है डेकोरेटिव पेंट्स में इंडिया में, और 20% मार्केट शेयर है ऑटोमोटिव कोटिंग्स में, और कंपनी का ओवरऑल मार्केट शेयर इंडिया में कहूं तो 58% के आसपास है। जो सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल इसके अंदर यूज किया जाता है अराउंड 49.6% ओवरऑल सेल्स की बात करें तो जो क्रूड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज किया जाता है, जिसके अंदर में बाइंडर्स हो गया, पिगमेंट्स हो गया, सॉल्वेंट्स हो गया,
रेजिन्स एंड एडिटिव के जो कि कलर के लिए यूज होता है। तो फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि काफी डिटेल में मैं रिसर्च करता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको ये रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना हो तो आप मेरे कोरा पेज पे जाकर कशपुर दुनिया टाइप कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। या आप मेरे कंपनी के वेबसाइट पे चले जाए www.finkaro.com, या आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं कशपुर दुनिया करके, तो वहां पे भी आपको काफी डिटेल रिपोर्ट मिल जाया करेगा। अगर आपको स्टॉक एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन करना है 9th बैच जो कि 1st मई से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो नंबर दिया गया है। सो अब बात करते हैं कंपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। सो कंपनी का जो सबसे पहला पॉइंट आता है, कंपनी मार्केट लीडर है इंडिया में और 3rd लार्जेस्ट है एशिया में कंपनी, और अराउंड 58% के आसपास मार्केट शेयर है। सेकेंड पॉइंट और कहूं या कॉम्पिटिव स्ट्रेंथ इस कंपनी के बारे में, तो 60% के आसपास डेकोरेटिव पेंट्स के अंदर मार्केट शेयर है, जो कि मतलब काफी बेहतर है इनके कॉम्पिटिटर से। थर्ड अगर हम बात करें, कंपनी 60+ कंट्रीज में प्रेजेंट है और मोर देन 70,000+ कहूं तो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल आउटलेट है, जिससे कंपनी को तो इंडिया के कोने कोने में पहुंच सकता है। फोर्थ अगर हम बात करें, कंपनी के पास स्ट्रांग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहूं तो सेंटर्स और फैसिलिटीज भी है, जहां पे मोर देन 430+ कलर आइडियाज ये प्रोवाइड करते हैं और एवरी ईयर 20 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए कि 430 कलर्स आप डिफरेंट प्रोवाइड करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कैटर कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। फिफ्थ पॉइंट अगर हम बात करें इस कंपनी का, कंपनी पास काफी वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स है जो कि डिफरेंट कस्टमर्स को ये कैटर करते हैं। सो अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में। जो सबसे पहला पॉइंट मेरे ख्याल से एक नेगेटिव इस कंपनी के लिए, COVID-19 की वजह से ओवरऑल जो इनका कंजम्पशन है वो वर्ल्ड वाइड या कहूं तो इंडिया वाइज भी, इंडिया में भी जो डिमांड है काफी सब्ड्यूड रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन रहेगा तो कंजम्पशन पेंट का कहां से इंक्रीज होगा। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में इस कंपनी के लिए, तो गवर्नमेंट रिसेंटली कहूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा रियल एस्टेट सेक्टर पे काफी ज्यादा पुश कर रहा है, स्टैम्प ड्यूटी हो या इंटरेस्ट रेट हो काफी नीचे कर दिया, सो दैट इसमें अगर डिमांड ग्रो होता है तो डेफिनेटली पेंट का कंजम्पशन इंक्रीज होगा। थर्ड अगर हम बात करें अगर, तो राइज इन डिस्पोजेबल इनकम, मतलब अभी के टाइम पे लोगों का डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगा तो वो खास करके अच्छा प्रोडक्ट्स प्रेफर करेंगे, तो डेफिनेटली एशियन पेंट्स वुड बी अ गुड ऑप्शन जो भी अगर पेंट के लिए यूज करना चाहते हैं। फोर्थ अगर बात करें, अभी के टाइम पे सिर्फ 10% पेनिट्रेशन है रूरल इंडिया में पेंट इंडस्ट्री का, मतलब अभी भी बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है इस कंपनी के लिए लॉन्ग रन में ग्रो करने का, क्योंकि मोर देन 70,000+ डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल आउटलेट उससे भी ज्यादा है, तो इस कंपनी को काफी फायदा होगा। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, इम्प्रूवमेंट इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मतलब आने वाले वक्त में ऑटो सेक्टर का डिमांड और तेजी से बढ़ने वाला है, ड्यू टू स्क्रैपेज पॉलिसी की वजह से नए कार्स और पैसेंजर व्हीकल्स और ज्यादा मैन्युफैक्चर होंगे, तो इस कंपनी को ही काफी ज्यादा फायदा होगा, या कहो इस इंडस्ट्री में पेंट कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा होगा। सिक्स पॉइंट की अगर बात करें, हर साल कंपनी 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है और साथ साथ में ये भी ध्यान रखता है कि जो वो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं पेंट्स में अराउंड 18-20% लोअर होना चाहिए, सो दैट वो और भी कस्टमर को कैटर कर सके और वहां तक पहुंच सके। तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में साफ साफ नजर आ रहा है कि एशियन पेंट्स वैसे तो लार्जेस्ट मार्केट शेयर इस कंपनी का, तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में ये कंपनी काफी बेहतर कर सकता है। सो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। देख सकते हो कंपनी ने, एशियन पेंट ने लास्ट 1 ईयर में अराउंड 54.61% का रिटर्न दिया है, 2,873 रुपीज का हाई बनाया और 1,482 रुपए का लो बनाया, मतलब काफी अच्छा खासा रिटर्न ये कंपनी दे रहा है। और आज ये स्टॉक तो काफी ऊपर है क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर हाउसेस स्टॉक को ये रिकमेंड करके रखा था। कंपनी का लास्ट 5 ईयर्स में कहो तो 191.32% का रिटर्न दिया, मतलब बहुत सारे अपने इन्वेस्टर्स के लिए इसने वेल्थ क्रिएट करके ऑलरेडी दिया है। लार्ज कैप में आता है, उसका बीटा काफी लो है, मतलब ये स्टॉक आपको ज्यादा झटका नहीं देगा, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके ही देगा, जिस हिसाब से हमने इस कंपनी का कॉम्पिटिव स्ट्रेंथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखा। इस कंपनी का रेवेन्यू की बात करें जो 2018 में 17,160 करोड़ के आसपास था, जो 2020 में इंक्रीज होकर के 20,566 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो कि काफी बेहतर है। साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यू की प्रॉफिट की बात करें 2,038 करोड़ से इंक्रीज होकर के 2,705 करोड़, मतलब कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी काफी बेहतर पे करती है, 12 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आप देख सकते हो, मतलब आपको रिटर्न भी मिलेगा और डिविडेंड भी मिलेगा। कंपनी का शॉर्ट टर्म बैंक बैलेंस या कहो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1,295 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का टोटल लॉन्ग टर्म डेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जो कि अराउंड 608 करोड़ के आसपास है, मतलब कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट कर रहा है
और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और क्या कहूँ तो बैंक बैलेंस भी काफी बेहतर है, तो इतना ये लॉन्ग टर्म डेट मैटर नहीं करता क्योंकि कंपनी हमने ऑलरेडी फ्यूचर पर्सपेक्टिव कॉम्पिटिव स्ट्रेंथ देखा है, काफी बड़ी कंपनी है ये। उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर चेक करो तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कंटिन्यूसली कंपनी के अंदर एक कंसिस्टेंसी रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादा में नहीं पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, एक कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी काफी बेहतर और लॉन्ग रन में प्रॉफिट जनरेट करने का पोटेंशियल रखता है। साथ ही साथ कंपनी कैश रिच है, फ्री कैश फ्लो देखो लास्ट 3 इयर्स में कहां से कहां पहुंच गया, 2228 करोड़, मतलब कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट कैश फ्लो स्टेटमेंट सब कुछ बेहतर है। इस कंपनी का अगर आप रिटर्न रेशियोज चेक करो तो देख सकते हो कि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी 29% के आसपास है और जो कि कंटिन्यूसली कहूँ तो 20% के ऊपर रहा है, मतलब काफी बेहतर, मतलब शेयर होल्डर्स भी काफी बेहतर कमा रहे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी बेहतर है, रिटर्न ऑन एसेट अपने एसेट का यूटिलाइजेशन भी कर रहे काफी बेहतर तरीके से 20% के आसपास पहुंच चुका है। इस कंपनी का एफिशिएंसी रेशियो अगर आप चेक करोगे तो कंपनी का एबिटा मार्जिन अराउंड 21.18% के आसपास है और हर साल कंटिन्यूसली इंक्रीज नजर होता हुआ रहा है, मतलब कंपनी का एबिटा मार्जिन काफी बेहतर है। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी काफी डिसेंट है, 10% के ऊपर है और लॉन्ग रन में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और इंक्रीज होगा जो डिमांड मैंने आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया। और कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज भी काफी बेहतर है, मतलब काफी कम रिसीवेबल इनका आउटस्टैंडिंग है जो कि काफी पॉजिटिव है। साथ ही साथ कंपनी का अगर आप सॉल्वेंसी रेशियो चेक करो तो डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे नोटिस करो एक तरह से डेट फ्री कंपनी है, मतलब कंपनी के पास शेयर होल्डर फंड काफी ज्यादा एज कम्पेयर टू कंपनी के डेट से। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरेस्ट कवर रेशियो 44 times के आसपास लगभग है, मतलब ये अपना इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन 44 times मीट कर सकते अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है। वहीं पे कंपनी का करंट रेशियो 1.82 के आसपास है, मतलब कंपनी में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू करंट एसेट। तो यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ काफी बेहतर है और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अब कंपनी के रिस्क एंड वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। सो अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क के बारे में। सो सबसे पहला रिस्क आता है कि रॉ मटेरियल प्राइस, मतलब कंपनी का जो पेंट कंपनी में जो पेंट बनता है उसमें अराउंड जो 49.5% के आसपास जो रॉ मटेरियल लगता है वो पूरा का पूरा क्रूड ऑयल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता है तो डेफिनेटली इस कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट नीचे जा सकता है। सेकंड हम बात करें इकोनॉमिक स्लोडाउन एवरीवेयर अभी के टाइम पे, जिससे जो डिमांड है वो काफी फ्लैट रहेगा क्योंकि लोग एसेंशियल गुड्स मतलब रोटी और ये सब के ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन लाइकलीहुड अगर हम बात करें पेंट वेंट पे कम ध्यान देंगे और जो उनका इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो उसके वजह से भी इम्पैक्ट रह सकता है। थर्ड इस सेगमेंट में क्या फर्क पड़ सकता है, क्लाइमेट चेंज, मतलब अगर मानसून सीजन एक्सटेंड हो जाता है तो डेफिनेटली लोग पेंट उस टाइम पे कहां से करेंगे, तो ये सब भी एक फैक्टर आप इंक्लूड कर सकते हैं। मेजर रीजंस नहीं है लेकिन जो सबसे मेजर रीजन इस कंपनी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है वो रॉ मटेरियल प्राइस। सो अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। सो ओवरऑल कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग लगता है लेकिन टेम्पररी सब्ड्यूड रहेगा ड्यू टू ये लॉकडाउन की वजह से। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली लास्ट ईयर में काफी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ कंपनी का अगर आप फ्री कैश फ्लो या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे तो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, मतलब कंपनी लॉन्ग रन में प्रॉफिट और जनरेट करेगा तो कंपनी का स्टॉक प्राइस और ऊपर जाएगा। ऑल द कंपनी का डेट कहूं तो मार्जिनली इंक्रीज हो रहा है लेकिन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, 608 करोड़ के आसपास है जो कि इतना ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेहतर है और साथ ही साथ कंपनी के पास कहूं तो फ्री कैश फ्लो भी काफी अच्छा खासा अवेलेबल है। और ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो कि कंपनी एक तरह से कहूं तो लार्जेस्ट मार्केट शेयर अराउंड 58% के आसपास इंडिया में और डेकोरेटिव पेंट में 60%, मतलब ओवरऑल कंपनी का वैल्यूएशन लॉन्ग रन में और बेहतर हो जाता है अगर कैश फ्लो और जनरेट करना चालू करेगा तो। डेफिनेटली ये स्टॉक मेरे ख्याल से आने वाले 4 से 5 साल में, अभी के टाइम पे 2600 पे चल रहा है तो 4-5 साल में ये स्टॉक आपको 5000 या 5500 के आसपास पहुंच सकता है। सो होप सो अगर आपको ये रिसर्च पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।